हमारे दूरदर्शी और युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सारे विश्व में इकलौते नेता हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक नया आयाम प्रदान किया है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र जहां कोरोना के सामने धराशायी हो गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 130 करोड़ जनता के साथ मिलकर एक सूत्र में उनको गूंथकर एक अलग दिशा में कोरोना की लड़ाई ले गए। और इसलिए दुनिया के बाकी कई देशों में जहां तबाही मच गई, वहां भारत ऐसा है जिसने संकट पर लगभग नियंत्रण पा लिया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने दिन भौतिक रूप से आपसे नहीं मिल पाया। आप जानते हैं कि जनता मेरी जिंदगी है, मैं आपके लिए ही जीता हूं। पहले जब भी कभी संकट आया, मैं हमेशा आपके बीच में पहुंचा। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मैंने कभी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। 23 तारीख की रात से शपथ ग्रहण के बाद 24 से सारे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया, जहां बड़ा संकट मेरी अंतरात्मा, मेरा मन लगातार बेचैन रहता था कि मैं कैसे आपके पास पहुंचूं। चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, खंडवा, खरगोन, धार हो, रतलाम, मंदसौर हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, अलग अलग हिस्सों में जहां जहां इस संकट ने दस्तक दी, मुझे लगा कि मैं दौड़ के आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन भौतिक रूप से नहीं आ सका क्योंकि लॉकडाउन ने मुझे बांध रखा था। मैं भी मर्यादाओं में बंधा हुआ था। किस मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका, ये मैं ही जानता हूं। पार्टी के निर्देश भी यही थे कि जाना नहीं है, आपके बीच भौतिक रूप से नहीं आ पाया, लेकिन मेरी अंतरात्मा सदैव प्रदेश के संकटग्रस्त भाइयों और बहनों के साथ रही। और यहां से भी मैं सवेरे 5:30 बजे से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लगातार प्रयास करता रहा। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ मिलके, डॉक्टर्स हों, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी धर्मगुरु हों, अलग अलग वर्गों के लोग हों, लगातार मैं संवाद करता रहा। और जो बेहतर व्यवस्थाएं कोरोना को परास्त करने की हो सकती थी, वो बनाने की मैंने कोशिश की, हमने कोशिश की, सबने कोशिश की, सारा समाज, सारा प्रदेश एक हो गया। हम मिलकर लड़े, सामूहिकता के साथ लड़े। कई समाज से भी संगठन, कई समाज से भी महानुभाव सेवा के नया इतिहास उन्होंने रचा। हमारे कोरोना योद्धा, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आज भारत की तीनों सेनाओं ने उनका अभिनंदन किया है। लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते रहे और आज इसी का परिणाम है कि देश में भी और विशेषकर मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना संकट को हमने काफी कुछ नियंत्रित कर लिया है। अब यह पहली बार हो रहा है
कि जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। कल अगर 50 पॉजिटिव पेशेंट आए तो इससे दुगने से ज्यादा स्वस्थ होकर अपने घरों में लौट गए। मृत्यु की दर भी लगातार कम होती जा रही है। लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, संकट अभी टला नहीं है। यह कोरोना अलग तरह का वायरस है, यह छापामार लड़ाई लड़ता है, कब कहां घुस जाए। क्योंकि एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आ गया तो उसके कारण कई लोग संक्रमित हो जाते हैं। और इसलिए असावधान रहने की जरूरत नहीं है, सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमारे ऐसे कई जिले जो ग्रीन थे, जहां एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं था, उनमें से कुछ में एक एक दो दो तीन तीन पॉजिटिव पेशेंट्स संक्रमित होकर आ गए। और फिर यह संख्या तेजी से बढ़ती है। एक तरफ कई जिले ग्रीन हो गए, विदिशा हो, शिवपुरी हो, कई ग्रीन होने की राह पे, और कुछ नए भी संक्रमित हुए। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं, इस संकट से पूरी तरह से जीतना है तो हमको पूरे अनुशासन का पालन करते हुए, सामूहिकता से विधि निषेधों का पालन करते हुए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते संकट को पहचाना, आवश्यक उपाय किए, कदम उठाए, और अब सब मुख्यमंत्रियों से बात करके, पूरे देश से चर्चा करके, फिर 17 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया है। हमने भी सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो जिलों में बने हुए हैं, उनमें केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारे सांसद, हमारे विधायक, समाजों के प्रमुख लोग सब सम्मिलित है। सबने एक स्वर से तय किया कि लॉकडाउन को अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा, यह संकट को फिर से निमंत्रण देना होगा, और इसलिए लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस बार लॉकडाउन अलग ढंग से होगा, इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। जान तो बचाना है, संक्रमण रोकना है, लेकिन जहान की चिंता भी करना है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री जी ने, भारत सरकार ने नई गाइडलाइन भेजी है, और उस गाइडलाइन के हिसाब से जिलों को तीन भागों में बांटा गया है। हमारे प्रदेश में भी तीन भागों में जिले हमने बांटे हैं। एक वो जिले जो रेड जोन में है, मतलब जहां संक्रमण ज्यादा है, फैलने का खतरा भी है। दूसरे ऑरेंज जोन, संक्रमण है लेकिन उतना नहीं है जितना रेड जोन में है, कुछ इलाके में है। और तीसरा ग्रीन जोन, वो जिले जहां संक्रमण नहीं है या इक्का दुक्का मामला है। तो पूरे प्रदेश को इन तीन भागों में बांटा गया है, और तीन भागों में बांटते हुए ये फैसला किया गया है कि कुछ गतिविधियां अलग अलग जोन में जारी रह सकेंगी। मैं आज इस बारे में आपको
ठीक ढंग से बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संक्रमण भी रोकना है और लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी करना है, आर्थिक गतिविधियां भी चालू रखना है, करना है, और इसलिए कुछ गतिविधियां रेड हो, ऑरेंज हो या ग्रीन हो, सब में प्रतिबंधित रहेंगी। सभी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें, मेट्रो रेल हमारे यहां नहीं है इसलिए उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे, सभी स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर ऑनलाइन अध्ययन किया जा सकेगा। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों हेतु आवश्यक हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी हॉस्पिटैलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार या अहाता, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन और इसके समरूप अन्य स्थान, ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम एवं गतिविधियां, इसकी अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल एवं धार्मिक समारोह नहीं होंगे। सभी जोन्स में ध्यान से सुने, क्योंकि सीनियर सिटीजन को इस वायरस से खतरा ज्यादा होता है, इसलिए 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, ये घर पर भी रहेंगे। मेरे बुजुर्गों और मेरे छोटे छोटे भांजे भांजियों, आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में ही रहना है। आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही अत्यावश्यक कार्य, जैसे चिकित्सा संबंधी, तो ही इनमें से कोई घर के बाहर जा सकेगा। शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कृपया करके शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक कोई घर से ना निकले, ये पूर्णतः प्रतिबंधित गतिविधियां हैं। अब इसके अतिरिक्त रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, ध्यान से सुनिए, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर निम्न गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा जिसकी अनुमति हो। चार पहिया वाहन में अधिकतम 3 लोग
एक ड्राइवर और दो यात्री ही बैठकर जाने की अनुमति होगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र सैज एसीजेड की गतिविधियां चालू होंगी। निर्यात इकाइयां मतलब ऐसी यूनिट जो अपने उत्पादन का एक्सपोर्ट करती है वो चालू रहेंगी। औद्योगिक क्षेत्र एक्सेस कंट्रोल के साथ चालू रहेंगे। अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य जिसमें केवल स्थानीय श्रमिकों या अमले का उपयोग हो, नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण की गतिविधियां जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कंटेनमेंट जोन एरिया के बाहर, वहां सब तरह के निर्माण की गतिविधियां जैसे मनरेगा के काम या बाकी निर्माण के काम, वो सब चालू रह सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, जो जरूरी चीजें हैं उनको बेचने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी ई कॉमर्स गतिविधियां, निजी कार्यालय 33% अमले के साथ, पूरे अमले के साथ नहीं, सरकारी कार्यालय उप सचिव एवं उच्च स्तर पर 100% उपस्थिति के साथ एवं शेष 33% अमले के साथ। ये रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर ये गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास का द्वार एक ही होगा, पूरी तरह से सील करके रखा जाएगा। केवल अत्यावश्यक सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। आने और जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर शेष गतिविधियां संचालित हो सकती है। जो मैंने बताई वो सारी गतिविधियां रेड जोन में चालू रहेंगी, वो तो रहेंगी, लेकिन उसके अतिरिक्त ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब में अधिकतम 3 लोग, एक ड्राइवर और 2 यात्री बैठकर जाने की अनुमति होगी। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा जिसकी अनुमति हो। इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कपड़े की दुकानें, बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकान, मार्केट नहीं खुलेगा लेकिन मार्केट के बाहर अलग अलग दुकान होती है तो एकल दुकानें, ऑटो रिक्शा, नगर सेवा की बसें एवं समस्त प्रकार के उद्योग, सभी निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी। ये गतिविधियां चालू की जा सकेंगी। और बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, ग्रीन जोन में वो गतिविधियां तो चालू रहेंगी जो रेड जोन में और ऑरेंज जोन में चालू रहेंगी, लेकिन उनके अतिरिक्त सभी प्रकार की गतिविधियां ग्रीन जोन में संचालित की जा सकती हैं। जैसे
कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल नहीं, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, मतलब अकेली अकेली दुकान, ऑटो रिक्शा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में समस्त उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, सभी प्रकार की गतिविधियां, एक्सेस कंट्रोल के साथ औद्योगिक क्षेत्र, आवश्यक वस्तुओं सेवाओं के निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता है, सूचना प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर निर्माण की इकाइयां, और ग्रीन जोन में 50% क्षमता के साथ बसें भी चलेंगी। मतलब जो जिले ग्रीन जोन में आते हैं उनमें परिवहन की बसें चलेंगी, लेकिन अगर बस 50 सीटर है तो केवल 25 यात्री उसमें बैठेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भर के नहीं जाएंगे, सारी सीट नहीं भरेंगी। बस डिपो भी 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति देंगे। अब विवाह कब तक आखिर रोकें? इसलिए ग्रीन जोन में 50 लोगों के साथ वरपक्ष वधुपक्ष के 25-25 विवाह संपन्न हो सकेंगे, और बाकी स्थानों पर भी ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के काफी बाहर, जहां सुरक्षित विवाह संपन्न हो सकते हों, बहुत कम संख्या में, वहां रेड जोन में 5-5 की संख्या हो सकती है, लेकिन अनुमति लेके होंगे। लेकिन ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में, कंटेनमेंट एरिया के बाहर ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में तो कंटेनमेंट एरिया है नहीं, विवाह किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये सारी गतिविधियां हमको चालू करनी है, लेकिन नई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए। जरा सी लापरवाही ग्रीन जोन को ऑरेंज या रेड जोन में बदल देगी, और ग्रीन जोन अगर ऑरेंज जोन या रेड जोन में बदल गया तो इस तरह की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाएगी। और इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका जिला अगर रेड जोन में है तो वो कैसे ऑरेंज जोन में आए। प्रशासन पूरी ताकत के साथ काम करेगा, लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। और ऑरेंज जोन से हम कैसे ग्रीन जोन में जाएं, इसके लिए आपको लगातार अनुशासन बनाते हुए प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई तारीख नहीं बता सकता आज किस तारीख को कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं, वैक्सीन बनी नहीं है, दवा कोई है नहीं, और इसलिए कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा, लाइफ स्टाइल हमको बदलनी पड़ेगी। मतलब भारतीय संस्कार और परंपराओं का पालन करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। जैसे हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते, 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा बांध के रखना, नाक और मुंह कवर करके रखना, बार बार हाथ धोते रहना, बाकी जो गतिविधियां प्रतिबंधित है वो नहीं करना, भोजन भी जो शरीर के लिए हितकारी हो वो करना। प्राचीन समय में ऋषियों ने कहा था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 3 मंत्र दिए थे, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाएं, मितभुक का मतलब भूख से कम खाएं,
और ऋतु भुक मतलब ऋतु में जो चीजें होती है वो खाएं, सुपाच्य भोजन, सवेरे जल्दी उठना, व्यायाम करना, योगासन करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जीवन नियमित जीना, आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग करना, पूरे प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों में आयुर्वेदिक काढ़ा निःशुल्क पहुंचाने की हमने व्यवस्था की है। तो हमको अपनी जिंदगी में जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना का आक्रमण हम लोग विफल कर पाएंगे। देखिए, कोरोना ऐसा रोग नहीं है कि जिससे डरा जाए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनने कोरोना को पराजित किया है। मैं एक छोटी सी बिटी अपूर्वा सिंह से मैंने बात की थी, 8 साल की उम्र थी, पुलिस आवास टीटी नगर में रहने वाली बेटी कोरोना संक्रमित हो गई, बहादुरी से लड़ी, हिम्मत से लड़ाई लड़ी और फिर स्वस्थ होकर चिरायु अस्पताल से बाहर आ गई। मैंने फोन पर उसको बधाई दी थी। डॉक्टर विभा के बच्चों की कहानी भी प्रशंसनीय है, उनके पति डॉक्टर सौरभ पुरोहित, 2 वर्षीय बेटा वीर संक्रमित हो गया और उसका इलाज करने के चक्कर में वो स्वयं और उनका 5 वर्षीय बेटा भी संक्रमित हो गया, पूरा परिवार संक्रमित हुआ, लेकिन वो घबराए नहीं, हिम्मत से मुकाबला किया और सभी कोरोना को पराजित करके वापस लौट आए। तो कोरोना से हिम्मत से लड़के जंग जीती जा सकती है। एक निवेदन मैं आप सबसे करूंगा, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति स्नेह और संवेदना रखें, आखिर वो हमारे भाई बहन हैं। एक वायरस से पीड़ित है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये छूत की बीमारी मान के उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना करें, और इसलिए हिम्मत से लड़े हम जीतेंगे। इन दोनों मेरे बहनों और भाइयों, कई तरह के बहुत महत्वपूर्ण कदम कोरोना से लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमने उठाए हैं। किसान भाइयों, मंडी एक्ट में हमने संशोधन कर दिया है, अब किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो मंडी का विकल्प है, उसके साथ साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी भी है, लेकिन प्राइवेट व्यापारी लाइसेंस लेके किसान के घर या खेत में जाके उसका उत्पाद, चाहे वो फल सब्जी हो अनाज हो, खरीद सकेगा। कोई निर्यात करने वाला, कोई मिल चलाने वाला, वो भी किसान के उत्पाद को घर से ठीक दाम देके खरीद सकेगा। प्राइवेट मंडी स्थापित की जा सकेगी, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था, ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था अब हमने कर दी है, ताकि भोपाल में बैठ के चेन्नई के भाव आपको पता चले और आप ठीक दामों पर अपनी फसल बेच सकें। क्रांतिकारी परिवर्तन मंडी एक्ट में हमने किया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है। अधिक विकल्प किसान को हो और वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने उत्पादन को बेच सके। हमने गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल लेट शुरू की थी, लेकिन कल तक गेहूं 7,05,000 किसानों से हम खरीद चुके हैं। चने और मसूर सरसों की खरीदी भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। हमने फसल बीमा योजना के 2,990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, निर्माण मजदूरों के खाते में कल 1,000 रुपये की और दूसरी किस्त मैंने डाली है, ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका समय कट जाए। जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं उनको निकालने के काम में हम लगातार लगे हैं। 60,000 मजदूर बसों से निकाल के हम लेके आए हैं, और अब भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। हमने जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो घबराए ना, अभी हमारी 31 ट्रेनें 22 महाराष्ट्र, 2 गुजरात, 1 दिल्ली, 2 गोवा, 4 अन्य स्थानों से अभी चलेंगी। 37,500 मजदूर इनसे लाएंगे, इसके बाद दक्षिण के राज्यों के लिए भी ट्रेनों से लाने का प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। रेल मंत्रालय से हम लोग
बात लगातार कर रहे हैं, हम मजदूरों को निकाल के लाएंगे और रेलवे को जो खर्चा लगेगा वो प्रदेश की सरकार जमा करेगी, मजदूर भाई बहनों को नहीं देना पड़ेगा। वापस आने के बाद कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, क्योंकि इसके पहले प्रदेश में ही 30,000 मजदूरों को एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने का काम हमने किया है। कोई गरीब परेशान ना हो, इसलिए गरीबों को भरपूर राशन की व्यवस्था है। 3 महीने का पहले इकट्ठा दिया था, अब 2 महीने का और दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। एक व्यक्ति को 10 किलो, 5 सदस्य है तो 50 किलो मिलेगा। राशन कार्ड भी ना हो तो अभी हम भोजन के लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये हमारा प्रयास है। मेरे प्रिय विद्यार्थी बेटे बेटियों, आप अनेकों जगह कई दिनों से मध्य प्रदेश के अंदर भी फंसे हुए हैं, बाहर फंसे कई बच्चों को हम वापस लाए हैं, लेकिन जो पर्यटक इलाज कराने के लिए गए लोग अलग अलग जगह फंसे हैं, वो चिंता ना करें, थोड़ी देर लग सकती है। रेड जोन से अभी लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम उनकी सूची बना रहे हैं, यथासंभव हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम ग्रीन जोन में, या कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया से बाहर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, उसकी व्यवस्था भी हम शीघ्र बनाने वाले हैं, लेकिन रेड जोन में हम रजिस्ट्रेशन करके धीरे धीरे सुरक्षित उनको उनके गांव या शहर पहुंचाएंगे। सुरक्षित मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्दीबाजी में अगर हमने लोगों को शहर से दूसरे शहर भेजा, एक शहर से, और वहां जाके किसी दूसरे को वो संक्रमित कर गए, तो हमारे परिश्रम पर, मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं माफी चाहता हूं, घबराना मत, परेशान मत होना, दिक्कत है लेकिन इसका रास्ता भी हम निकालने का काम कर रहे हैं। रोजगार के लिए कई गतिविधियां चालू हैं। आज बताते हुए मुझे खुशी है कि 11,25,000 मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दी गई है। तेंदुपत्ते की तुड़ाई का काम चल रहा है, वनोपज के संग्रहण का काम चल रहा है, बीड़ी मजदूरों ने भी बीड़ी निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया है, वो काम भी हमने शुरू करा दिया है ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। मास्क बनाने के काम में कई बहनें लगी है, मास्क की आपूर्ति भी हो रही है और उनको रोजगार भी मिल रहा है। निर्माण की कई गतिविधियां चालू है। रेड जोन छोड़ के औद्योगिक गतिविधियां भी हमने व्यापक पैमाने पर चालू की है। ये संकट है लेकिन इसको अवसर में बदलने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, और इसलिए रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए, नया निवेश मध्य प्रदेश में कैसे आए, इसके लिए हम नई औद्योगिक नीति बना रहे हैं। एक बात मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, हम प्रोत्साहित उन इकाइयों को करेंगे जिसमें ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ऊर्जा की कम खपत होगी और जो पर्यावरण को सुरक्षित करके रखेंगी। देखिए, प्रकृति का शोषण नहीं, हमको दोहन करना है। शोषण अगर करते हैं तो परिणाम भयानक होते हैं। आज देखिए, कोरोना एक तरफ संकट लेके आया, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का एक अलग रंग खिल गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, वो आज अलग रंग में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमको पर्यावरण को भी बचाने का काम करना पड़ेगा। सब बचेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। स्वदेशी और स्वावलंबन पर हमारा जोर है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अधिकतम चीजें अपने प्रदेश में ही बनाने का प्रयास करें, अपने लोगों को रोजगार दें, छोटी छोटी कई इकाइयां खड़ी हो, और इसलिए चाहे वो लेबर लाज हो और चाहे उद्योग नीति हो, सब में बदलाव के लिए हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसके परिणाम भी जल्दी अच्छे मिलेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके प्रयासों से हम सब मिलकर सामूहिक रूप से कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, निराश कोई ना हो, हताश कोई ना हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति किसको कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक जो गीता में कहा, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब सबके साथ, कुछ लोगों के साथ नहीं,
मुक्त संगो हम सब मिलकर साथ, कुछ साथ है कुछ साथ नहीं है ये नहीं, किसी भी धर्म के, किसी भी उपासना पद्धति के लोग हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, जो सबको मिलकर सबके साथ काम कर सके वो मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब अहंकार छोड़कर जो काम करे निरहंकार हो। मुक्त संगो अनहमवादी धृति मतलब धैर्य। कोरोना का संकट आ गया तो घबरा गए क्या करेंगे, नहीं धैर्य रखना है और धैर्य रखते हुए रास्ता निकालना है। उत्साह दिन और रात काम है, संकट तो जूझेंगे, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्साह से भरे रहें और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है हमने कोशिश की और संक्रमण थोड़ा बहुत और बढ़ गया तो घबराए काहे को, फिर से कोशिश करेंगे इसको पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, सात्विक व्यक्ति कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस मंत्र के अनुरूप अपना आचरण और अपना व्यवहार बनाए। डरना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। मानसिकता हमेशा सकारात्मक रखना। एक जगह गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर पत्थर तोड़ने के काम में लगे हुए थे। मई का महीना था, तपती धूप थी, मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था। इतने में एक साधु बाबा उस गांव पहुंचे। तीनों मजदूरों को काम करते हुए उन्होंने देखा तो एक मजदूर के पास जाकर रुक गए और उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? मजदूर का चेहरा गुस्से से तमतम आ गया और बाबा की तरफ देख के बोला, दिखता नहीं है क्या, आंखें फूट गई है, किस्मत फूटी है, इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूं, गुस्से में कहा। बाबा आगे बढ़ गए, दूसरा मजदूर मिला, दूसरे मजदूर से पूछा उन्होंने, क्या कर रहे हो भाई? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था, उसने कहा, बाबा दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीने के लिए, आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। वो तीसरे मजदूर के पास पहुंचे और उससे पूछा, क्या कर रहे हो? मजदूर का चेहरा प्रसन्नता से खिल रहा था और उसने कहा कि बाबा आप देख नहीं रहे, सामने भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान के मंदिर के निर्माण के काम में ये पत्थर तोड़ने का काम मुझे मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान के मंदिर के निर्माण में मेरे हाथ से तोड़े हुए पत्थर लगेंगे। काम एक, दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है, जीने के लिए कर रहा हूं पेट भरने के लिए, और एक मेरा सौभाग्य है भगवान का मंदिर बनेगा मेरे तोड़े पत्थरों से। यह दृष्टिकोण है सकारात्मक। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो जीवन का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, इस समय हम सबको सकारात्मक रहने की जरूरत है। पूजा उपासना अर्चना सब घर में रह के करें, रमजान का महीना है, घर में रहकर ही रोजे रखें और प्रार्थना करें कि जब तक ईद आए ये पूरा संकट समाप्त हो जाए। मंदिर में नहीं जा सकते, घर पर रहकर भगवान की पूजा अर्चना और उपासना करना और उससे प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी शक्ति हमें दो कि संकट से हम मुक्ति पाएं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, अगर शुद्ध अंतःकरण से हम उनको पुकारेंगे तो जहां पुकारेंगे वो वहीं हमें दिखाई देंगे, वो वहीं हमारे साथ होंगे। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हम कृत संकल्प हैं इस संकट को अवसर में बदलने के लिए और अवसर में बदल के एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने के लिए। आइए हम सब साथ आए, इस संकट को भी परास्त करें कोरोना के, और नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए नई राह बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।